गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है स्टडी मंत्रा पर। पॉइंट का फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दे भाई, आ जाओ भाई जल्दी से लाइव एक बार बच्चे सभी क्लास में। हाँ जी, क्या क्लास होगी आज? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। मैं आ तो गया हूँ, मुकेश दैया, ठीक है, जू सिंह, बाकी कहाँ हूँ भाई तुम सारे के सारे। एस डी के, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी। आ जाओ जल्दी से लाइव। आज है हमारे पास, मानव के पास जो पाँच सेंस ऑर्गन हैं में से एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोगों को अलग भी बनाता है औरों से, वो है हमारे पास ह्यूमन आई, मानव आँख, जिसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो है जुड़ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। हमें पता है कि ह्यूमन आई जो है वो आप लोगों का एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है ना, सेंसरी ऑर्गन है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा इसके बारे में, तो ह्यूमन आई जो होती है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इसकी स्टडी को बोला जाता है मेरे भाई ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कई जगह पे, सॉरी हिंदी में इसको ऐसे भी लिखा होगा, ऑप्टोमोलॉजी, ऑप्टोमोलॉजी। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आँख का क्या होता है बच्चे? अध्ययन होता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब ये है कि ये हमारी एक ज्ञानेंद्री है ना, ज्ञानेंद्री, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, उन पांचों में से ये हमारी एक ज्ञानेंद्री है। ठीक है, जिससे हम चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। आओ भाई साहब, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी को गुड इवनिंग। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो हमारी आँख जो होती है, इसका वेट, एक आँख का जो वेट होता है मेरे भाई, वो आप लोगों का कितना होता है? लगभग आप एक हो गए, हमारी एक आँख का भार जो होता है वो 7 ग्राम होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमन आई का जो यूज है वो हम किस में करते हैं बच्चे? विजन में करते हैं, यानी कि दृश्य, यानी कि आप एक तरह से कर सकते हो श्री माई, देखने के लिए, या फिर टू द सी, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसके लिए हम जो है हमारी आँख का यूज करते हैं। ठीक है, आँख बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। जब भी धूप वगैरह में निकलो तो चश्मे लगा के निकला करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो मेरे भाई बहुत भयानक तरीके से फैला हुआ है कंजक्टिव वायरस, है ना, आंखें आपकी लाल हो जाती है, जिसके अंदर से आंखों के अंदर से पानी गिरता रहता है। ये आजकल बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है, और ऐसा होता है जब आप लोगों का एटमोसफियर चेंज हो रहा होता है ना। अब जो बारिश का मौसम है, थोड़ा सा मॉइस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है स्मोग वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी आंखों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा बच के रहना हम सबको। तो ह्यूमन आई जो है मानव आंख सेंसरी ऑर्गन है, स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, इसका वेट 7 ग्राम होता है, विजन जो होता है हम इसको देखने के लिए यूज करते हैं। अब बच्चे बच्चे को पता है, अगर मैं शुरू करूँ कि ह्यूमन आई कितने टाइप की होती है, टाइप यानी कि मानव आंख जो है, या फिर हम एक बात करें आई की, तो आई जो है बच्चे वो दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, दो टाइप की हो सकती है, एक तो हो सकती है मेरे भाई सिंपल आई, एक तो हो सकती है क्या, सिंपल आई, साधारण आंख, साधारण आंख, ठीक है, और एक होती है मेरे भाई कंपाउंड आई, एक होती है कंपाउंड आई, ठीक है, कंपाउंड आई बोल दो, या इसको कॉम्प्लेक्स आई भी बोल दिया जाता है। इसको हम बोलेंगे बच्चे जटिल आंख, जटिल आंख, आई बात में, जटिल आंख। ठीक है, सिंपल आई, और इसके अंदर खास बात क्या है, ये जो सिंपल आई होती है ना, ये बहुत ज्यादा एडवांस होती है तो सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस होती है। और तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ह्यूमन के पास जो होती है वो कैसी होती है मेरे भाई, मानव के पास सिंपल आंख होती है। मानव के पास कैसी होती है? सिंपल आंख होती है। वही जो आप लोगों की जटिल आंख होती है, ये आप लोगों की किसके पास होती है? एनिमल्स के पास होती है। जितने भी आपके आसपास कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, ये सारे घूम रहे हैं, इनके पास कैसी आई है मेरे भाई? जटिल आंखें हैं, इनके पास कंपाउंड आई है। कोई बच्चा मेरे से पूछे कि सर इनके अंदर फर्क कैसा होगा, कैसे हम इनको समझेंगे, तो ध्यान से सुनना। सिंपल आई जो है एक ही बार में, सर मैं सफरिंग फ्रॉम द कंजक्टिव वायरस, शुड आई लुक एट स्क्रीन? नहीं देखनी चाहिए मेरे भाई, आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, नहीं देखनी चाहिए, थोड़ा सा दूर करके देखो, ठीक है, डिम लाइट में करके देखो। क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो आप लोगों की सिंपल आई होगी ना, एक ही बार में कंप्लीट इमेज दिखाएगी। मतलब जैसे मैं ये मार्कर देख रहा हूँ, तो ये मार्कर एक बार में आ गया, यानी कि यहाँ पे टूट टूट कर टुकड़ों में इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पर क्या होती है, एक ही बार में कंप्लीट इमेज बन जाती है। मैं ये बात लिख सकता हूँ, एक ही बार में पूरा प्रतिबिंब बन जाता है, एक ही बार में पूरा प्रतिबिंब बन जाता है, पूरा प्रतिबिंब बन जाता है, एक ही बार में पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है मेरे भाई, यहां पर प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है, यहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है, प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है, यहां पर प्रतिबिंब किस में बनता है मेरे भाई, टुकड़ों में बनता है। आई बात समझ में?
यानी कि टूट टूट कर टुकड़ों में बनता है, एकदम से पूरा का पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, कंप्लीट एक ही टाइम में हो जाता है। तो ये सिंपल आई होगी, कंपाउंड आई होगी, हमारे पास कैसी है, सिंपल है। और सिंपल क्या है, एडवांस है, क्योंकि हर एक वस्तु जो हम देख रहे हैं उसकी एक ही बार में कंप्लीट इमेज बन जाती है। हालांकि तुम आगे चलकर पढ़ोगे कि हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है फिर उसको सीधी पढ़ता है, हमारा दिमाग जो है उसको सीधी पड़ता है। हालांकि रियल और इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको सीधी पड़ता है। अब हमें आई के फीचर जानने, आई के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को आई का डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। हर एक पार्ट को ध्यान से देखना बच्चे, अगर ह्यूमन आई आप लोगों ने पढ़ी है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहली तो मैं बात करूंगा आंख के अंदर कितनी झिल्लियां होती है ना, कितनी लेयर होती है या झिल्लियां होती है। ओके, तो देखो मेरे भाई, कितनी लेयर जो है हमारी आंखों के अंदर पाई जाती है, लेयर, लेयर्स, लेयर्स मतलब झिल्लियां। तो हमारी आंख जो है वो टोटल तीन झिल्लियों से बनी होती है, तीन झिल्लियों से बनी होती है। जो सबसे बाहर वाली होती है बच्चे, स्क्लेरा, कौन सी होती है मेरे भाई, स्क्लेरा होती है, या जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं श्वेत मंडल। क्या बोलते हैं बच्चे, श्वेत मंडल। ये जो आंख का सफेद सफेद हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला श्वेत मंडल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेरे भाई आप लोगों की जो दूसरी होती है वो होती है कोरोइड। क्या होती है बच्चे, कोरोइड होता है। दूसरी लेयर कौन सी होती है, कोरोइड होती है, कोरोइड, दूसरी लेयर कोरोइड होती है। और तीसरी जो होती है मेरे भाई वो होती है आप लोगों की रेटिना, इंग्लिश में बोलेंगे तो रेटिना, और हिंदी में बोलेंगे तो मेरे भाई दृष्टि पटल, हिंदी में बोलेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, दृष्टि पटल कहेंगे। तो टोटल तीन लेयर ये जो है हमारी, इन तीन लेयरों से हमारी आंखें बनी होती है। सबसे बाहर वाली, अगर मैं सबसे बाहर वाली की बात करूंगा बच्चे, सबसे आउटर की मैं बात करूंगा, ये वाली जो सबसे बाहर वाली है जो मैंने ऐसे बनाई है, ये है आप लोगों की स्क्लेरा। क्या है मेरे भाई, स्क्लेरा, श्वेत मंडल। और जो बीच वाली है मेरे भाई, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोरोइड कह रहे हैं बच्चे। क्या कह रहे हैं, कोरोइड कह रहे हैं। और जो बिल्कुल इंटरनल है बच्चे, उसको हम क्या कह रहे हैं, ये है आप लोगों की, जिसको हम कह रहे हैं रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोरोइड क्या है, तो कोरोइड आप लोगों की क्या है, मिडल लेयर है। कोरोइड क्या है मेरे भाई, आप लोगों की मिडल लेयर है, मिडल यानी कि मध्य परत है हमारी आंख की, मध्य परत है हमारी आंख की। इसके बाद आगे अगर मैं चर्चा करूं इसके बारे में, तो कोई आप लोगों से पूछे श्वेत मंडल क्या है, तो आप कह सकते हो सर ये आउटर लेयर है। ये क्या है, आउटर लेयर है, बाहरी परत है। ये क्या है, हमारी आंख की बाहरी परत है, सबसे बाहर वाली परत है ये, ठीक है। और तीसरा मेरे भाई रेटिना की हम बात करेंगे, तो मेरे भाई ये क्या है, इंटरनल लेयर है, ये इंटरनल लेयर है। अच्छा, मैं अब सिर्फ इनमें से एक ही चीज के बारे में बात करूंगा, वो बात करूंगा कोरोइड के बारे में, क्योंकि श्वेत मंडल के बारे में आप आगे पढ़ोगे, रेटिना के बारे में आप आगे पढ़ोगे, तो उनके बारे में अभी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कोरोइड के बारे में बताऊंगा। अब कोरोइड जो है वो आप लोगों की मिडल लेयर है। इसे दो तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। इस कोरोइड वाले हिस्से में, यानी कि कोरोइड की चर्चा करके मैं लिख रहा हूं, आगे लिखवा देता हूं मैं, फिर वापस इसी पेज पे आ जाएंगे, कि हमारी आंख के अंदर जो मिडल लेयर है, जिसको हमने क्या नाम दिया है बच्चे, कोरोइड नाम दिया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोरोइड नाम दिया है। कोरोइड को हिंदी में भी क्रोइड ही बोलते हैं। ये क्या है, आप लिखोगे सर पहली बात तो आपने बताई बहुत अच्छी हमें कि ये मिडल लेयर है, मिडल लेयर है। और ये मिडल लेयर जो है यहां तक आती है हमारी ब्लड वेसल्स। यहां पर क्या पाई जाती है, यहां पर ब्लड वेसल पाई जाती है, फाउंड ब्लड वेसल्स। यहां पर क्या मिलती है मेरे भाई, हमें ब्लड वेसल्स मिलती है ना, यानी कि हम ये कहा, ये कहेंगे यहां तक हमारी रक्त वाहिकाएं आती है। और जहां पर मेरे भाई रक्त वाहिकाएं आ रही होंगी, वहां तक जाहिर बात है किसकी सप्लाई होगी बच्चे, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, साथ साथ में वहां पर क्या हो रही होगी मेरे भाई, न्यूट्रिशन की भी सप्लाई हो रही होगी। न्यूट्रिशन यानी कि आप लोगों का पोषण भी हो रहा होगा यहाँ तक, है ना, पोषक तत्व भी यहाँ तक पहुंच रहे होंगे। तो मेरे भाई अगर मैं ये कहूं कि हमारी आंखों को पोषण किससे मिलता है, हमारी आंखों को, हम ह्यूमन आई को जो है वो पोषण किससे मिलता है, तो आप कहोगे सर क्रोइड वाले हिस्से से, आई बस ने। तो क्रोइड वाला हिस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जो है आंखों को पोषण दिया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके द्वारा आंखों को पोषण प्रदान किया जाता है, आंखों को पोषण प्रदान किया जाता है, पोषण, ठीक है, पोषण प्रदान किया जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किया करता है, प्रदान किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये। और जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर ही बात है यहाँ तक ब्लड वेसल्स आ रही है। कई बार क्या होता है, तुम अपनी आंखों को मसलते हो, ठीक है, या फिर गुस्से में जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तुम्हारी आंखों के अंदर भी ब्लड वेसल आई, उनके अंदर भी ब्लड जो है सर्कुलेशन तेज हो जाता है, तो आपकी आंखें लाल हो जाती है। और इसी के ऊपर एक मुहावरा बना गया है कि गुस्से में आंखें लाल होना, है ना, ये मुहावरा बनाया गया ना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, तो वो इसी से रिलेटेड है।
गुस्से में आंखें लाल हो जाना, वो इसी से रिलेटेड है मेरे भाई। तो कोरोइड क्या कर रहा है, हमारी आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कई बार तुम्हारी आंखें बहुत भयानक तरीके से थक जाती है जब तुम लगातार टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो तुम रिलैक्स लेने के लिए थोड़ी देर तक आंखों को बंद करते हो और लेट जाते हो या बैठ जाते हो, जो भी तुम करते हो। तो उस दौरान क्या होता है कि मेरे भाई ये जल्दी जल्दी कोरोइड क्या करता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर आता है, और ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिशन भी आता है क्योंकि ब्लड वेसल्स आ रही है तो आपकी आंखों को आराम मिलता है। तो इसी के कारण हमारी आंखों को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। यही वो हिस्सा होता है जिसके कारण हमारी आंखें लाल भी हो जाती है, हमारी आंखें जो है गुस्से में हमें लाल दिखाई देती है, वो इसी के कारण होता है बच्चे, और कोई कारण नहीं होता। तो ये कोरोइड वाला हिस्सा होता है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जरूरी जानना था। अब आ जाओ वापस हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिसने नहीं लिया एक बार। ये कहां से आ गया, ये तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसका आ गया है ना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट किसका लेना था तुम्हें, हाँ इसका लेना था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। नमस्ते जाटकल, देखो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। गुड इवनिंग कुसुम शर्मा, हो गया। चलो अब वापस इसी के ऊपर आ जाओ। तो मैंने कहा था ये मेरे भाई आप लोगों की भारी परत है स्क्लेरा, मिडल पर लेयर जो है कोरोइड है, फिर रेटिना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे पार्ट है हमारी ह्यूमन आई के, ठीक है। अब इस ह्यूमन आई को मैं चाहता हूँ कि हम अपने हाथ से बनाएं और फिर एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा तुम्हारा समय लूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। जैसा ही बनेगा अच्छा ही बनेगा। ठीक बन गया, अरे देखने में तो ठीक सा लग रहा है, क्या तो बना ही नहीं, अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है ये। अरे बताओ ठीक सा बन गया क्या, ह्यूमन आई इतना काफी है तुम्हारे लिए। चलो ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में यहां पर लगा होता है मेरे भाई एक आप लोगों का लेंस है ना, ये लगा होता है लेंस, ये मैंने लगा दिया आप लोगों का लेंस, ठीक है। ये मैंने लेंस लगा दिया, इस लेंस के ऊपर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे करके दो, एक नीचे से एक ऊपर से, ये दो ये लगी होती है सिलेरी मांसपेशी, सिलेरी मांसपेशी या सिलेरी मसल बोल देते हैं हम इनको, हिंदी में यही बोलोगे MUSCLE मसल्स, सिलेरी मसल्स, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया हमारा लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, सबको पता है, आगे हम बताएंगे भी, इस चर्चा भी करेंगे इसके बारे में। इस लेंस से पहले हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे बिल्कुल गोल 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 जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्यूपिल, जो बीच का काला हिस्सा होता है ना मेरे भाई, प्यूपिल होता है बीच का जो काला हिस्सा होता है, हालांकि मैं इसके ऊपर काला दिखा रही, दिखेगा नहीं इसके ऊपर, तो ये प्यूपिल होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, प्यूपिल होता है, प्यूपिल, प्यूपिल को हिंदी में हम बोलते हैं बच्चे क्या, पुतली, क्या बोलते हैं, पुतली। ये प्यूपिल बीच वाला काला हिस्सा जो अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है बच्चे, कंट्रोल करता है। और इसी प्यूपिल के मेरे भाई चारों तरफ, इसी प्यूपिल के ऐसे चारों तरफ मेरे भाई ऐसे करके एक और हिस्सा होता है जो कि कलर्ड हिस्सा होता है, ये कलर्ड वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, आयरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं, ठीक है। आयरिस को हिंदी में परितारिका भी बोलते हैं ना शायद, हिंदी में देखना बच्चे, आयरिस को परितारिका या आयरिस भी बोल देते हैं। परितारिका या आयरिस क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा काम होता है इसका, प्यूपिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। अरे विट्रस ह्यूमर भी भरा होता है और एक्वस ह्यूमस भी भरा होता है। विट्रस ह्यूमस जो भरा होता है आप लोगों का, आप लोग ये देखोगे मेरे भाई यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है और यहाँ पर विट्रस ह्यूमर अंदर भरा होता है, ये आई की शेप को मेंटेन रखता है। तो एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर तो फोकस कर लो मेरे भाई। तो ये होता है, देखो आप लोग अब मेरी आंख देखो या फिर अपनी आंख देखो, अपनी आंख देखो शीशे के अंदर, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी मेरे भाई मनोज लवर्स, बस क्लास को देखता रहे। तुम किसी की आंख देखते हो तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम्हें एक तो दिखाई देता है सफेद वाला हिस्सा, सभी के अपनी आंखों को देखते हो तो किसी की भी आंखों में आके आई कांटेक्ट करते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, तुम्हें दिखाई देता है पहले सफेद वाला हिस्सा, वो क्या स्क्लेरा। उसके बाद एक पूरा हिस्सा दिखाई देता है जो अलग अलग कलर का होता है, किसी के अंदर वो ब्लैक होता है, किसी के अंदर वो ब्राउन होता है, किसी के अंदर वो नीला होता है, किसी के अंदर थोड़ा सा और अलग कलर का होता है। तो वो वाला हिस्सा जो होता है ना वो होता है आयरिस। आयरिस वो होता है जो आंखों को कलर प्रदान करता है, जैसे ऐश्वर्या राय की नीली आंखें हैं तो उसकी नीली आंखों का कारण क्या है, आयरिस है, ठीक है। किसी की आंखें जो है मेरे भाई थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन कलर की होती है तो उसका कारण ये है। फिर उसके बीच में बिल्कुल एक काला हिस्सा दिखाई देता है हमें, उसके बीचों बीच हमें एक काला हिस्सा दिखाई देता है, मतलब इसके चारों तरफ जो है, पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बीचों बीच जो है मेरे भाई एक काला हिस्सा मिलेगा आप लोगों को, अब मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। एक बिल्कुल ऐसे गोल 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 है ना काला हिस्सा दिखाई देगा, आई पास में ये जो ब्लैक पार्ट है आप लोगों का, इसको हम प्यूपिल कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्यूपिल कह रहे हैं। और ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा है, सबसे आउटर की तरफ जो निकला हिस्सा है बच्चे, इसको हम कहते हैं कॉर्निया, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं।
आई पास में, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी बच्चे इसको कॉर्निया ही बोलते हैं, आई पास में। और इनके बीच में यहां पर एक द्रव भरा रहता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, आई पास में। इसके अंदर क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर भरा होता है। और यहां पर बीच में जो भरा होता है मेरे भाई, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। कई बार यही विट्रस ह्यूमर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसके कारण जो है मेरे भाई रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन पाती और हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है ग्लूकोमा, जिसका नाम क्या हो जाता है मेरे भाई, ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस बीमारी के बारे में भी, हर एक बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला यहां पर होता है मेरे भाई रेटिना, यहां पर क्या होता है, रेटिना होता है। आई पास में तीन लेयर बनाने की जरूरत नहीं ना, पहली कौन सी थी, पहली थी आप लोग की स्क्लेरा, फिर कौन सी थी, कोरोइड, और फिर कौन सी थी, रेटिना। रेटिना या इसको हिंदी में थोड़ा सा दृष्टि पटल भी कह देते हैं हम लोग, कई बच्चे पजल हो जाओ, है ना। और इसी से मेरे भाई एक नर्व निकल कर जाती है जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है, इसी से एक नर्व निकल के जाती है ऐसे करके, ये नर्व होगी मेरे भाई, ये नर्व जो है निकलकर हमारे ब्रेन तक जाती है। और इस नर्व को हम कहते हैं मेरे भाई क्या, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं, आई बात में, ऑप्टिक नर्व कहते हैं, या इसी को कहा जाता है आंख की नस, हिंदी में तो यही बोलेंगे मेरे भाई। आंख की नर्व को क्या बोलेंगे, आंख की तंत्रिका बोल दो एक तरह से, नर्व आ गया तो, ठीक है, आंख की तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व जो भी आप बोलना चाहो वो होती है मेरे भाई ये। ओके, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहला हिस्सा कॉर्निया, सबसे पहला हिस्सा कॉर्निया, फिर हो गया आयरिस, फिर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, आयरिस। स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले बाहर जो हिस्सा होगा, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप देखो, ये भी पूछा जा सकता है इसके पीछे क्या होगा। तो सबसे पहला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है बच्चे, वो दिखाई दे रहा है कौन सा, कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया के बाद हमें दूसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, वो क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है मेरे भाई आयरिस, या जिसको हम परितारिका भी कह रहे हैं, परितारिका ही होता होगा ना हिंदी में, देख लेना एक बार, आयरिस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तीसरे नंबर पर हमें क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, प्यूपिल। तीसरे नंबर पर क्या होता है मेरे भाई, प्यूपिल, यानी कि पुतली जिसको हम कह रहे हैं बच्चे, पुतली जिसको हम कह रहे हैं, वो हमें तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। चौथे नंबर पर अगर आप लोग देखोगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेंस, क्या दिखाई दे रहा है हमारी आंखों के अंदर, लेंस। और पांचवें नंबर पर जब बच्चे हम देख रहे हैं तो लेंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, सिलेरी मांसपेशी है। क्या है, सिलेरी मांसपेशी है, सिलेरी मांसपेशी है हमारे पास पांचवें नंबर पर। और छठे नंबर पर जब हम बात करेंगे तो छठे नंबर पर हमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई ये विट्रस ह्यूमर, है ना। छठे नंबर पर कौन सा है, छठे नंबर पर है हमारे पास विट्रस ह्यूमर, या इसको कंकच द्रव कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, कंकच द्रव कहते हैं, यानी कि ऐसा द्रव जिससे कांच की गोलियां बनी होती ना, वैसा ही होता है ये। कंकच द्रव बोल दो या विट्रस ह्यूमर बोल दो, एक ही बात है। और उसके बाद हमें सातवें नंबर पर जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वो क्या दिखाई दे रहा है, रेटिना। रेटिना है ना, रेटिना या दृष्टि पटल जिसको बोल रहे हो। और आठवें नंबर पर हमें दिखाई दे रही है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। अब यही आठ हिस्से हैं जो हमें आंख के पढ़ने हैं, इन्हीं सब के बारे में हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादातर आंख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी बीमारियों से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं जिनके ऊपर हम हमेशा चर्चा करते हैं, तो उनकी चर्चा यहां पर करेंगे ताकि तुम्हें आंख के बारे में आज के बाद कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और सेशन को लाइक कर दिया करो आते ही, मुझे पता है आजकल तुम्हें बीमारी है कम लाइव आने की, उसका कारण भी है, मुझे पता है हमारा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है यूट्यूब का, शायद उसके कारण भी कई बच्चे लाइव नहीं आ पाते, ठीक है। मतलब इतना समझ में आ गया क्या क्या है हमारा हिस्सा। सबसे बाहर, बाहर की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा है, बल्जिंग ऑफ आई जिसको हम कहते हैं, आई बाहर की तरफ जो निकली, सबसे पहला हिस्सा क्या आएगा, कॉर्निया आएगा। कॉर्निया के बाद क्या आएगा, आयरिस आएगा। आयरिस के बाद क्या आएगा, प्यूपिल आएगा। प्यूपिल के बाद क्या आएगा, लेंस आएगा। लेंस को कंट्रोल करने वाली सिलेरी मसल्स आएगी, क्योंकि लेंस को फोकस यही तो करवाएगी। आई बस में फोकस करना ये तो होता ना, तुम्हारे तुम कई बार फोटो खींचते हो तो उसके अंदर ना ऐसे एक स्क्वेयर में वो आता है, तुम कहते हो कि भाई यो ना मेरे मुंह पाओ जी पे फोटो खींचो, क्यों, उससे क्या होगा आपके पर्टिकुलर माउथ या सॉरी मुंह के ऊपर क्या होगा, फोकस होगा, है ना, आपके चेहरे पे फोकस होगा, ताकि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना। हर कोई यही तो चाहता है कि मेरा चेहरा चमके, आई बस में। अरे एक्वस उमर यही बड़ा होता है, एक्वस उमर की कोई बड़ी बात नहीं होती, हमें जरूरी है इसके बारे में सीखना, क्योंकि विट्रस उमर एक ऐसा हिस्सा था जहां पर आंसू बनते हैं, आई बस में, जहां पर आंसू बनते हैं आप लोगों के, यहीं पर आप लोगों की जो है आंसू ग्रंथि पाई जाती है, टीयर ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसका नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड। और लैक्रिमल हड्डी होती है जहां पर इसी के आसपास, और जो शरीर की सबसे पतली हड्डी है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है, अब धीरे धीरे एक एक करके हम सबके ऊपर चर्चा करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई किससे, कॉर्निया से। हेडिंग डालो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया कौन है, कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया क्या है मेरे भाई, आप लिखोगे इट इज द आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ऑफ ह्यूमन आई, मानव आंख का सबसे भारी हिस्सा,
मानव आंख का, मानव आंख का सबसे भारी हिस्सा, सबसे बाहरी, भारी नहीं, सबसे बाहरी हिस्सा पहला पॉइंट है इसके बारे में। दूसरा क्या है दोस्त, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दूसरा पॉइंट है इसके बारे में कि यही जो पार्ट है इसी से प्रकाश हमारी आंख के अंदर एंटर करता है, लाइट एंटर इंटू आई थ्रू इट प्रकाश जो है इसी के द्वारा, प्रकाश इसी के द्वारा आंख में प्रवेश करता है, इसी के द्वारा आंख में प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तीसरा, अच्छा इसी के अंदर एक बात और सुनना, इसलिए इसको कहा जाता है विंडो ऑफ आई। इसे क्या कहा जाता है, विंडो ऑफ आई का नाम भी दिया जाता है। कई बच्चे सोचेंगे विंडो ऑफ आई किसे कहा जाता है, आंख की खिड़की, आंख की खिड़की किसे कहा जाता है, तो आंख की खिड़की इसे ही कहा जाता है। क्यों, तुम्हारे घर में जो प्रकाश आता है वो किससे आता है, खिड़की से आता है, विंडो से आता है। तो मेरे भाई ऐसे ही यही है। ठीक है, सिलेरी मसल्स को हिंदी में सिलेरी मांसपेशी ही कहते हैं, जाटकल हिंदी में उसको सिलेरी मांसपेशी कहते हैं। थोड़े सब्र रख, आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, विंडो ऑफ आई आंख की खिड़की क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरे भाई इसी से प्रकाश एंटर कर रहा है तुम्हारे घर में, खिड़की इसीलिए तो बनाई जाता ताकि लाइट आ जाए, है ना, तो इसीलिए तो इसको आंख की खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा बच्चे इसके अंदर, तो आप ये लिखोगे इसके बारे में कि यही वो हिस्सा होता है जो डोनेट किया जाता है। ठीक है, आप आई डोनेट करते हो, आई डोनेट, ठीक है, किसी ने नहीं कर रखी हो तो कराओ जाकर। कराओ का मतलब ये नहीं कि जाते तुम्हारा कॉर्निया निकाल लेंगे, वो तुम्हारे मरने के बाद आएंगे कॉर्निया वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, आई डोनेट यानी कि नेत्रदान, नेत्रदान के समय यही हिस्सा डोनेट किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान के समय समय यही हिस्सा दान किया जाता है, यही हिस्सा दान किया जाता है। ऐसा नहीं तो तुम्हारी पूरी आंख निकाल लेंगे, नहीं, सिर्फ यही निकाला जाएगा, यही हिस्सा दान किया जाता है, यही हिस्सा दान किया जाता है, तो नेत्रदान में यही काम आता है। तो ये था कॉर्निया, इसी से लाइट एंटर करती है। ये सारी की सारी बातें कॉर्निया के बारे में है। टेक योर स्क्रीन शॉट ब्रो, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, ले लो भाई जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिया, स्क्रीन शॉट। अरे इतनी अच्छी राइटिंग तो है यार, थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो मेरे भाई। हाँ भाई हो गया स्क्रीन शॉट, बोलो चले आगे, नेक्स्ट पे चलें दोस्तों। कल पेपर है क्या सर? नहीं है कल पेपर, ठीक है चलो नेक्स्ट। कॉर्निया के बाद हमें क्या दिखाई दिया मेरे भाई, आयरिस। कॉर्निया के बाद हमें क्या दिखाई दिया बच्चे, आयरिस दिखाई दिया। ठीक है लिखो आयरिस, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा था परितारिका कह देते हैं ना, अरे परितारिका इसी को कहते हैं क्या, बता देना मुझे एक बार, हिंदी में थोड़ी सी मेरी कमजोर है हिंदी। परितारिका, आयरिस, ये क्या होता है लिखो मेरे भाई, इसके दो काम होते हैं, इट प्रोवाइड कलर टू आई, यह आंखों को रंग प्रदान करता है, यह आंखों को रंग प्रदान करता है बच्चे, यह आंखों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, यह आंखों को रंग प्रदान करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट ऑल्सो कंट्रोल प्यूपिल, इट ऑल्सो कंट्रोल प्यूपिल, यह पुतली को भी नियंत्रित करता है, यह पुतली को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब पुतली को नियंत्रित कैसे करता है, थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, नियंत्रित करता है क्योंकि पहले हमें पुतली के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कैसे कंट्रोल करता है। अब पुतली क्या होती है उसको यहीं पढ़ लेते हैं, जो हम प्यूपिल की बात कर रहे हैं बच्चे, जो हम प्यूपिल या पुतली की बात कर रहे हैं इसको हम यहीं पढ़ लेते हैं, पुतली। ठीक है, पुतली, पुतली क्या होती है ध्यान से सुनना, ये क्या करती है, इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, 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 कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब कैसे करेगी, जैसे मान के चलो तुम ज्यादा लाइट में चले गए, एकदम से ज्यादा लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ी तो तुम्हारी पुतली क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी।
यानी कि जहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जहां पर प्रकाश ज्यादा होगा वहां पर पुतली सिकुड़ जाएगी, और जहां पर प्रकाश कम होगा वहां पर पुतली फैलेगी। तो इस सिकुड़ने और फैलने में इसकी मदद कौन कर रहा है? आयरिस, यानी कि इसको सिकुड़ने में और फैलने में इसकी मदद कौन कर रहा है? आयरिस कर रहा है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि इट ऑल्सो कंट्रोल द प्यूपिल, कि यह पुतली को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित किस चीज में करता है? कि मेरे भाई प्यूपिल को, जो आप लोगों की पुतली है उसको फैलना है या सिकुड़ना है, फैलना है या सिकुड़ना है, उसमें कंट्रोल कौन करता है? मेरे भाई आप लोगों का आयरिस करता है। कुछ बात समझ में आई? तो क्या होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर डिम लाइट होगी, डिम लाइट, डिम लाइट से मेरा मतलब है मंद प्रकाश होगा, है ना, जैसे थोड़ा बहुत अंधेरा हो वहां पर, तुम जाओगे ना तो मेरे भाई थारी आंख चोरी कर करके देखोगे ना, दिद्दे पाड़ पाड़ के देखोगे, हम बासम हम कह दें दिद्दे पाड़ पाड़ के देखोगे, है ना, ऐसा होता ना, दिद्दे पाड़ पाड़ के देखोगे, कोई और खूबसूरत चीज आगे से गई तब भी तुम दिद्दे पाड़ पाड़ के देखा करो, तो यहाँ पर भी तुम दिद्दे पाड़ पाड़ के देखोगे, आई बासम में। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, मैं क्या कहता हूँ, सर हमारी भैंस की आईज का कलर ब्लू है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, तुम्हारी भैंस का नाम ऐश्वर्या राय रख दिया जाए, ठीक है, अगर तुम्हारी भैंस का रंग आई का कलर मेरे भाई ब्लू है तो उसका नाम जो है ऐश्वर्या राय रख दिया जाए, ठीक है। तो डिम लाइट में क्या होता है, डिम लाइट में हम कहेंगे कि मेरे भाई पुतली, पुतली सिकुड़ती है, सॉरी पुतली फैलती है, पुतली क्या होती है मेरे भाई, फैलती है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल क्या होता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि फैलता है, प्यूपिल क्या होता है, फैलता है, आई बात समझ में, इसके अंदर प्यूपिल क्या होता है मेरे भाई, फैलता है। और मेरे भाई अगर ज्यादा लाइट होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ बच्चे, ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ज्यादा प्रकाश होगा मेरे भाई, ज्यादा प्रकाश होगा तो वहां पर पुतली क्या हो जाएगी मेरे भाई, ज्यादा प्रकाश में, हाई लाइट में क्या होगा, आप लोगों की पुतली, प्यूपिल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, प्यूपिल क्या होगा बच्चे, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ठीक है, पुतली क्या होगी आप लोगों की, सिकुड़ेगी, लिख लेना इसको हिंदी में, सिकुड़ेगी, ठीक है, श्रिंक मतलब सिकुड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसको सिकुड़ने में और फैलने में मदद कौन करेगा? आयरिस। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और भाई एकदम तो ज्यादा प्रकाश तुम्हारी आंखा मार दियो, लेंस भी उसको कंट्रोल ना कर पाए, और एकदम से जाकर ये रेटिना पे ऊपर गिर जाए तो आप अंधे भी हो सकते हो अचानक से। वो फ्लैश जो होती है ना, फ्लैश कैमरे की जो फ्लैश होती है, अगर वो आपकी आंखों में एकदम से लग जाए ना तो मेरे भाई आपकी विजन भी जा सकता है, क्योंकि वहां पर फिर इतना ज्यादा प्रकाश जो है एकदम से प्यूपिल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा प्रकाश तुम्हारी आंखों में जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना भी ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। क्या इतनी कहानी समझ में आई तुम्हें? आ गई तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं लेंस के ऊपर, और फिर हम बात कर लेंगे सिलेरी मसल्स के ऊपर। लिखो लिखो जल्दी जल्दी, है ना, लेंस और सिलेरी मसल्स ही रह गया इसके अंदर। हाँ, ये भी कह सकते हो एक तरह से साइज कंट्रोल कर सकता है। तुम बोलते क्यों नहीं हो क्लास में, क्या बात है, शांत बहुत रहते हो तुम। अच्छा, मैं पढ़ाता जाता हूँ इसलिए। ओके सर, चलो नोट करो इसको जल्दी से, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी को सुनना ध्यान से मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी। लेंस लेंस लेंस, नेचुरली अगर मैं बात करूं, देखो अगर डॉक्टर लोग आपसे बात करेंगे तो डॉक्टर ये कहेंगे तुम्हारी आंखों में कोई लेंस नहीं है, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन हमारी आंखों के अंदर जो मटेरियल है जिसके कारण विजन हो रहा है, वो वहाँ लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, ठीक है, वो आप लोगों का कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। यानी कि हम आमतौर पर आप यही कहेंगे कि हमारी आंखों के अंदर कौन सा है मेरे भाई, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है मेरे भाई हमारी आंखों में, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस, है ना, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, आई बात समझ में, जिसको हम क्या कह देते हैं, अभिसारी लेंस भी कह देते हैं। यानी कि लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा, लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करेगा, अभिसारी लेंस होता है। अब ये जो लेंस होता है, ध्यान से सुनना, इसको मैं यहीं पे बनाता हूं आप लोगों का, ये लेंस है, ये आपकी आंखों का लेंस है, ठीक है, इसके आगे मेरे भाई ये आप लोगों की प्यूपिल है, आप समझ लेना ये ऐसे है, इसके अंदर से लाइट आएंगी, ऐसे करके लाइट आ रही है, और ये इन सारी लाइटों को कहां पर कन्वर्ज कर देगा मेरे भाई, ये सारी लाइटों को कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना पर, आई बासन में। यानी कि लाइट को कहां पर कन्वर्ज कर देगा, रेटिना के ऊपर कर देगा, आई बासन में, रेटिना के ऊपर लाइट को कन्वर्ज करने का काम करेगा। तो हमारी आंख के अंदर जो लेंस है वो क्या है, रेटिना है, सॉरी जो हमारी आंख के अंदर लेंस है वो कैसा है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यह प्रकाश को, यह प्रकाश को, यह प्रकाश को रेटिना पर, रेटिना पर फोकसित करता है, रेटिना पर क्या करता है मेरे भाई, फोकसित करता है, आप ऐसे लिख सकते हो, फोकसित करता है, है ना, जो भी लाइट आएगी इसके अंदर उसको सारे के सारे को फोकस कर देगा, यानी कि एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, कहां पर, रेटिना के ऊपर आकर लाइट इकट्ठी हो जाएगी। और रेटिना पर फिर होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल, जिसमें एक रोड सेल होता है, एक कोण सेल होता है, ठीक है, उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहां पर सुनो। अच्छा, इसी लेंस को
इसी लेंस को फोकस, ये लेंस किसी चीज के ऊपर फोकस करे। मान के चलो तुम्हारे सामने रेंडमली बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है भाई, तुम भीड़ भड़ाके वाले एरिया में खड़े हो, मार्केट में खड़े हो, और भाई तुम्हारे सामने कोई एक्टिवा वाली भी जा रही है, तुम्हारे सामने कोई भाई बजाज स्कूटर वाला भी जान ला रहा है, थारे सामने कोई अल्टो वाला भी जान ला रहा है, थारे सामने कोई मर्सिडीज वाला भी जान ला रहा है, तो तुम्हारी आंखें उनमें से ना जैसे मर्सिडीज एकदम से दिख गई, तो भीड़ में चलती मर्सिडीज दिखी, लेकिन तुम्हें लगा मर्सिडीज है, तुम उसके ऊपर फिर से फोकस करोगे तो वहां पर लेंस तुम्हारी फोकस करने में मदद करेगा। अब जैसे मेरे सामने मल्टीपल चीजें हैं, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मेरे सामने एसी लगा हुआ है, मेरे सामने यहाँ पे एक कोका कोला की 20 रुपए वाली छोटी बोतल रखी हुई है, यहाँ पर दो चाय के कप रखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी बुके रखी हुई है ना, स्टूडियो का बुरा हाल हो रखा है, चलो कोई नहीं ऐसा चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर किसी चीज को देखना चाहूँ कि मैं कहूँ देखो भाई साहब कोका कोला की बोतल, तो तुम उसके ऊपर फोकस करोगे। अब भीड़ में थमना थारा मामा दिख जा, आई बात समझ में, और थारी माँ ना दिख जाओ, थमना ना दिखे थे बेटा वो देख तेरा मामा, तो हम सारी भीड़ में तुम देख दे, हाँ दिख गया, तो वही तो क्या है, वही वहां पे जो तुमने उसके ऊपर फोकस किया ना, उनके ऊपर जो फोकस किया वो किसके कारण किया, लेंस के कारण किया। लेंस को वहां पर फोकस करवाने में मदद किसने की, लेंस को वहां पर फोकस करवाने में मदद किसने की, लेंस को वहां पर फोकस करवाने में मदद की सिलेरी मसल्स ने, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस सिलेरी मसल्स आ जाएंगे अब यहां पर, सिलेरी मांसपेशी जिसको हम कह देंगे, सिलेरी मांसपेशी, मांसपेशी ठीक है, सिलेरी मांसपेशी, सिलेरी मांसपेशी ठीक है। ईमान जो भाई हरी मात हरती नु कह दे जा बेटा रसोई में नून का डब्बा ठहलिया, हाँ बस हम तो भाई यही कहेगा, मैं नमक का डब्बा लिया, थम गए रसोई में, थमने नरे डब्बे दिखे, थमने भीतर तय आवाज लगाई, माँ मन तो कौन पाया नमक का डब्बा, फिर थारी माँ कहेगी थारा बाप की डाल, थारी भी आग फूट रही है, ये हो रहा है, नाश हो रहा है, तना फोन तो आगे कि मैं नहीं दिखता ना, तना उस फोन वाली तो आगे कि मैं दिखता, तना उसका नंबर तो बड़ा दिख जाए, ये सारे भाषण भूषण धरती सुनाए जाएंगे आमतौर पर, है ना। फिर तुम कहोगे भाई इतने भाषण तक अगर बचना है तो मैं फोकस करूँ, फिर तुम फोकस करोगे कि हाँ यो डब्बा उसका नमक का, में रैंडमली तुम्हारे सामने कितनी चीजें पड़ी हैं, रैंडमली तुम्हारे सामने कितनी चीजें पड़ी हैं, उन सब में से तुम्हें कोई एक चीज देखनी हो, तुम मन में सोच के देखो, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर तुम देखोगे, वही तो फोकस हो गया। तो वहां पर सिलेरी मांसपेशी क्या करेगी, इस लेंस को फोकस करने में मदद करती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, लेंस को फोकस करने में मदद करती है, लेंस को फोकस करने में मदद करती है, फोकस करने में मदद करती है, करने में मदद करती है मेरे भाई, करने में मदद करती है, है ना। हेल्प इन फोकसिंग ऑफ लेंस करती है, इसको फोकस करने में हेल्प करती है। आगे सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब जैसे जैसे हमारे अंदर बुढ़ापा आएगा, जैसे जैसे तुम बूढ़े होते चले जाओगे, तो शरीर की सारी मांसपेशियां कमजोर होगी। अब जब शरीर की सारी मांसपेशियां कमजोर होगी तो जाहिर बात है सिलेरी मांसपेशी भी कमजोर होगी, तो बुढ़ापे में हाँ थारे दीदे फूट रहे हैं, यही बात बोलते हैं, हमें भी यही बोली जाती थी, तुम्हें भी यही बोली जाती थी, ठीक है। आमतौर पर गांव में वो भी कह दे चूल्हा चल रोटा, मेरे तो चूल्हा रोटी पोप होके दीदे फूट लिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे लागू होती है। सिलेरी मांसपेशी की अगर मैं बात करूंगा मेरे भाई, ध्यान सुनना, सारी मांसपेशियां तुम्हारी उम्र के साथ कमजोर होगी, हाथ पैर मुंह नाक जहां कर भी तुम्हारी मांसपेशियां हैं, टोटल मसल्स की संख्या मैंने बताई थी 639 होती है एग्जैक्ट, वैसे 600 और 700 के बीच में रहती है, एग्जैक्ट पूछे तो 639 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी की सारी मांसपेशियां कमजोर होगी, तो एक उम्र के बाद तुम्हारी सिलेरी मांसपेशी भी कमजोर हो जाएगी, फिर उसके कारण तुम्हारा लेंस क्या हो जाएगा, फोकसित नहीं कर पाएगा। अब भाई फोकसित नहीं कर पाएगा तो ना तो ये दूर का देख पाएगा, ना ही पास का देख पाएगा, है ना, और उसी के कारण हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम आमतौर पर प्रेस बायोपिया कह देते हैं, जरा दूरदृष्टि कह देते हैं, वो बीमारियों में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अच्छे से। तो यहाँ पर सिलेरी मांसपेशी जो है वो लेंस को फोकस करने में हमारी मदद करती है, बुढ़ापे के अंदर यही कमजोर हो जाती है ना, बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है, बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है, बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है, हो जाती है, ठीक है, ये बुढ़ापे में क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो सिलेरी मसल्स का काम इतना ही है कि वो लेंस को फोकस करवाने में काम करती है। मनदीप नैन राम राम मेरे भाई, ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस को फोकस करवाने में काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेटिना, रेटिना पर सब कुछ फोकस हुआ, ठीक है। अच्छा बीच में रह गया कंकस दर, विट्रस ह्यूमर्स, है ना, एक रह गया विट्रस ह्यूमर्स, इसके बारे में तो और लिखो, विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर बोलते हैं ना इसको, ह्यूमर्स बोलते हैं, ह्यूमर्स बोलते हैं, बस कुछ ऐसा ही बोला जाता है इसको हिंदी में, बोलते हैं बच्चे कंकच दर्व, क्या बोलते हैं, कंकच दर्व बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, आंसुओं का निर्माण होता है, टीयर फॉर्मेशन, आंसुओं का निर्माण यहाँ पर होता है, आंसुओं का निर्माण। तुम्हारे आंसू कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। आंसुओं का निर्माण होता है, टीयर फॉर्मेशन होती है, टीयर फॉर्मेशन होती है, टीयर फॉर्मेशन होती है, और इस आंसुओं का निर्माण जो करती है वो एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है दोस्त, है ना, एक क्या होती है, ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड भाई, लैक्रिमल ग्लैंड होता है,
यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि बोलते हैं इसको, लैक्रिमल ग्रंथि बोलते हैं हम इसको, है ना, लैक्रिमल ग्रंथि। इसी के नाम से हमारी एक बोन भी होती है, हड्डी भी होती है, आई बात समझ, लैक्रिमल बोन, इसी के नाम से लैक्रिमल बोन, जो कि हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी है। क्या है मेरे भाई? सबसे पतली हड्डी है, थिनेस्ट बोन होती है वो। ठीक है, इतनी बात तो याद रख सकते हो तुम। एसिडिक होते हैं, एसिड होते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं पता। चलो आगे, अब ध्यान से सुनना, यही जो कंकस दर्व होता है ना, ये कंकस दर्व क्या कर रहा है, आपकी आंख की शेप को बनाने में मदद करता है, हेल्प इन शेप ऑफ आई, शेप ऑफ आई, आंख के आकार में मदद, आंख के आकार में मदद करता है। ठीक है, फैलता भी है ये, आगे बढ़ाऊंगा मैं जब बीमारियां पढ़ाऊंगा। आंख के आकार में क्या करता है, मदद करता है। अब मान के चलो यार, तुमसे मैं ये कह दूं कि तुम्हारी आंख के अंदर यहां पर ये कहां गया मेरे भाई, यही ले लो, चाहे ये सारा विट्रस ह्यूमस भरा हुआ है, तो विट्रस ह्यूमर को निकाल दो तो क्या हो जाएगा, आंख ऐसे पिचक जाएगी, आंख ऐसे पिचक जाएगी, है ना, आंख क्या होगी मेरे भाई आप लोगों की, पिचक जाएगी, आपकी आंख पिचक जाएगी हल्की सी। ठीक है, तो ये मेरे भाई इसी के कारण आपकी आंख की क्या बनी हुई है बच्चे, शेप बनी हुई है। तो ये हमारी आंख की शेप को बनाने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो हमारे आंसुओं को बनाने में मदद करती है। ओके, नोट हुआ सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो तुम लोग, तुम काम चोर तो हो ही सारे के सारे, इन्हीं के सारे बैठे हो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ओके, हुआ नोट है, बोलो। अब आ जाओ आगे, रेटिना। रेटिना क्या है मेरे भाई? रेटिना दृष्टि पटल, रेटिना, रेटिना दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। इमेज फॉर्म्ड हेयर, यहाँ पर क्या होती है मेरे भाई, इमेज फॉर्म्ड होती है, इमेज क्या होती है यहाँ पर, फॉर्म, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पर होता है। और हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, ये होती है मेरे भाई रियल एंड इन्वर्टेड। लेंस वाला चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़ा है तुम्हें, यूट्यूब पर भी बहुत बार पढ़ा रखा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये होती है वास्तविक एवं उल्टी, ये कैसी होती है, वास्तविक एवं उल्टी, वास्तविक एवं उल्टी, ये होती है मेरे भाई वास्तविक एवं उल्टी होती है, ये कैसी होती है, वास्तविक एवं उल्टी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे सुना मेरी बात को, हमारे रेटिना पर मेरे भाई क्या पाए जाते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं, यहाँ पर लाइट सेंसिटिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव सेल, है ना, यानी कि हम कहेंगे प्रकाश संवेदी कोशिका। ठीक है, प्रकाश संवेदी कोशिका पाई जाती है यहाँ, और ये जो प्रकाश संवेदी कोशिका होती है ना बच्चे, ये क्या होती है, लाइट पड़ते ही सेंसिटिव होते, लाइट सेंसिटिव है, मतलब मैं कह दूं कि मैं लाइट सेंसिटिव हूँ, बाहर जाऊंगा मैं तो नोट्स बना रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं तो मजाक कर रहा था यार, सीरियस हो जाते हो, नो सर सारे नोट्स बनाए हैं जी आपके, बहुत बढ़िया धन्यवाद, ठीक है, मजाक था, गुड इवनिंग मंजू दिया, सॉरी दानिया। तो मेरे भाई ये लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, आप लोगों के लाइट पड़ने के बाद सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई मैं सेंसिटिव हूँ, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी बॉडी जो है उसके ऊपर रेड पैचेज हो जाएंगे, तो सेंसिटिव हो गया मैं किसी चीज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, धूल कण मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, है ना, मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मतलब वो सेंसिटिव हूँ, मेरे ऐसे सेल एक्टिव हो जाएंगे जो मुझको दिक्कत देंगे, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरह के सेल पाए जाते हैं, है ना, ये दो तरह के सेल जो होते हैं मेरे भाई वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं मेरे भाई आप लोगों के, एक तो रोड सेल, सबको पता है रोड सेल, इनको हिंदी में कह देते हैं छड़ कोशिका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, छड़ कोशिका। और एक होते हैं मेरे भाई कोण सेल, एक होते हैं कोण सेल, कोण सेल, कोण सेल मतलब ये आप लोगों के होते हैं शंकु कोशिका, ठीक है, शंकु कोशिका, ठीक है, कई कई बुकों में इनको सलाका कोशिका भी लिखा होता है ना, सलाका होती है, क्या होती है पता नहीं, साकाला का बुम बुम होता है, सलाका, सलाका कोशिका भी बोलते हैं, छड़ बोल सकते हो, रोड को आप छड़ बोलते हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। तो ये रोड सेल भी होते हैं आप लोगों के, क्या होते हैं बच्चे, रोड सेल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कौन सेल होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुना, जो एनिमल है ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़, बकरी, ये सारे के सारे इनके अंदर होते हैं रोड सेल, इनमें सिर्फ और सिर्फ रोड सेल पाए जाते हैं। यानी कि एनिमल्स की जब मैं बात करता हूँ, एनिमल्स की, जो आप लोग घर पर है, कैट है, डॉग है, ठीक है, अभी अभी नीली नीली आंखों वाली भैंस भी थी, वो भैंस है, बफेलो है, इन सब के पास जो होते हैं मेरे भाई कैसे होते हैं, इनके पास रोड सेल होते हैं। और मेरे भाई कौन सेल जो है वो ह्यूमन के पास होते हैं, मानव के पास होते हैं, आई बात समझ। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, कौन सेल जो है वो हमें कलर में आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, कलर, जितने भी कलर, रंगीन चीजें, जो भी हम रंगीन चीजें देखते हैं ना मेरे भाई, वो इसी के थ्रू देखते हैं।
रोड सेल जो है वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। अब तुम सबको पता है कि ब्लैक और व्हाइट तो कोई कलर ही नहीं होता, सर ने बहुत बार बताया है ना, है ना, सर ने बहुत बार बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई कलर ही नहीं होता। तो ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता, आपका कुत्ता आप लोगों को देख रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहा है, उसको कोई कलरफुल चीजें नहीं दिखाई दे रही, आई बात समझे, आपको कलरफुल चीजें दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन कौन सेल, शंकु कोशिका जो कि ह्यूमन में है, ये आपको सारी रंगीन चीजें दिखाई दे रहे हैं, और इनकी इतनी पावर है अगर भाई 1.5 लाख तरह के भी कलर आ जाए ना, ये उनको भी आइडेंटिफाई कर लेगी, आई बात समझ में। अब तुम कहोगे सर 1.5 लाख के टाइप के तो कलर होते नहीं, वास्तव में नहीं भी होते हैं, लेकिन बन भी जाए ना इतने सारे कलर, फिर भी मेरे भाई ये कौन सेल जो है आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आसानी से हम कलर में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आई बात समझ में। अब जैसे मान के चलो मैं कह दूं कि मेरे भाई ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट तो थोड़ी दो, ये मेरे भाई आप लोगों का ब्लू है ना, लेकिन लड़कियां जब देखती कलर को उनके थोड़े से और ज्यादा उनको आइडेंटिफिकेशन होती है ना, ये बेबी पिंक है, ये बाबू पिंक है, ये चाचा पिंक है, ये ताऊ पिंक है, तो पिंक की भी कई शेड है, ऐसे ही रेड की भी शेड होती है ना, ये थोड़ा सा डार्क रेड है, ये थोड़ा सा हल्का ये है, ये जामुनी है, ये बंदरिया है, ये काला है, ये बिल्ली वाला है, ऐसे ऐसे कलर की आइडेंटिफिकेशन होती है। लड़कियां थोड़ी सी कलर को आइडेंटिफाई करने में तेज होती है, आई बस में पिंक नहीं देखते लड़कियों का कलर, जो फेवरेट कलर होता है वो पिंक होता है, और उसमें बहुत सारी शेड होती है, ये बेबी पिंक हो गया, ये बाबू पिंक हो गया, ये चाचा पिंक हो गया, ये ताऊ पिंक हो गया, तो वो जो शेड्स होती है ना कलर की, वो अलग अलग कलर ही तो है मेरे भाई, है ना। तो उन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, कौन सेल है, और मेरे भाई रोड सेल है। अब ध्यान से सुनना, हमारी एक बीमारी होती है जिसको हम, जिसके अंदर हम प्राइमरी कलरों के अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, जिसके अंदर हम प्राइमरी कलर जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, लाल हरा और नीला। तो प्राइमरी कलर में जब हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, आई बात समझ में। तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ये बीमारी हमारी किसकी होती है, कौन सेल की होती है, इसमें हम प्राइमरी कलर जो प्राथमिक रंग है उनके बीच में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, भले ही हम कलर को एक्सप्लेन ना कर पाए लेकिन आई सबको आइडेंटिफाई कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है बच्चे, ठीक है, नमस्ते भाई नमस्ते, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं रोड सेल की, इनसे संबंधित एक बीमारी होती है मेरे भाई जो मैंने बहुत बार पढ़ाई है, तुम्हें अच्छे से भी समझाई है कि रतौंधी कैसे होती है, रतौंधी है ना, रतौंधी, ये रतौंधी किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अब सबको तुमको ये बताना है कि रतौंधी जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है या इसका दूसरा नाम क्या है, मैंने बहुत बार एग्जाम में सॉरी क्लास में बताया है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है इस बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है, और इनके अंदर जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो कोडोप्सिन में नहीं बदल पाता, तो हमें ये दिक्कत हो जाती है, आई बस में रोडोप्सिन में नहीं बदल पाता ऑप्सिन प्रोटीन, तब हमें ये दिक्कत हो जाती है रतौंधी। तो रतौंधी बीमारी किसकी है, रोड सेल की, और ये इसकी। अब कलरफुल चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर तुम्हारे घर में कुत्ता है, तुम्हारे घर में बिल्ली है, अगर तुम चाहते हो कि वो कलर को आइडेंटिफाई करे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, वो मन ही मन कुत्ता तुम्हें गाली दे रहा होगा, ये गधा है, बेवकूफ है, इसको समझ में नहीं आता, मैं कलर देख ही नहीं सकता, मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखता हूँ, कभी ये देखो भाई मैं कुत्ता घर ने लिया और देख बेटा मैं तो हाँ आज पीली पैंट और लाल बुशर्ट पहन रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो कुत्ते को उस कलर, वो कलर दिखाई नहीं दे रहा, कुत्ते को तुम ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे हो, कुत्ते की नजर में तुम मेरे भाई एक तरह से अफ्रीकन हाथी हो, है ना, अफ्रीकन हाथी तो मैं क्या कहूंगा, अफ्रीकन लगा लो तुम, अफ्रीकन हो मतलब ऊपर से नीचे तक ब्लैक या व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है। जैसे पुराने जमाने में टीवी आते थे ना, हमारे पुराने जमाने में टीवी आते थे तो वहां पर वो तुम्हें टीवी में जो कलर दिखाई देते थे वैसे ही हो तुम कुत्ते के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट, कलरफुल कुछ भी पहन जाओ कि भाई कुत्ते को दिखाओ, देख मेरी शर्ट देख, आज मैं हरी शर्ट लिया आया, आज मैं गुलाबी लिया आया, आज मैं ये लिया, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते के लिए सारे कलर बराबर है, उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। क्लास रुक गई क्या, एक बार बताना भाई सभी बच्चे, प्रदीप भाई मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ मैं भाई, क्लास कैंसिल है, कैंसिल है ना सर, हाँ जी चल रही है क्लास, पता नहीं यहाँ से बंद हो गई थी भाई, चलो ओके 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 ठीक है। तो मैं कह रहा था रोड सेल का मतलब ये है कि सिर्फ ये आप लोगों के एनिमल के अंदर मिलते हैं और उनको जो है वो मेरे भाई आप लोगों का दिखाई दे रहा। अच्छा एक बात और, मैं एक बात और सुनना चाहूँगा मेरे भाई,
ऐसा कुछ नहीं होता, वहम होता है बच्चे, वो तो रेड वो जो ब्लू बुल होते हैं वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, मैं वहम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा मैं तुमसे पूछूंगा कि जो कुत्ते बिल्ली, वैसे मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया भी है, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है। कुत्ते बिल्ली जो होते हैं रात को इनकी आंखें चमकती हैं, तो इनकी आंखों में वो कौन सा मटेरियल होता है जिनके कारण रातों को इनकी आंखें चमकती हैं। आई बस मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं इनकी रातों को आंखें चमकती है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा मटेरियल होता है जिनके कारण इनकी आंखें चमकती हैं। ओके चलो अब आ जाओ, हमारी रेटिना किस तरह से काम करती है ठीक है। मैं थोड़ा सा ह्यूमन वाई वाला तो ये निकाल लेता हूँ। इधर देखो मेरे भाई, यहां से लाइट आई, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने खड़ा था, मान के चलो ये कोई आदमी सामने खड़ा था ठीक है। मैंने कहा कि मेरे भाई ये कोई आदमी सामने खड़ा था, इससे मेरे भाई लाइट आ रही है, ऐसे इसके ऊपर गिर रही है लाइट प्रकाश ठीक है, या लेंस से आ रहा है, और लेंस से मेरे भाई ये लाइट फोकस होकर यहाँ पर गिर रही है, दिखाई तो दे रहा है ना तुम लोगों ने, यहाँ से लाइट जो है फोकस होकर आप लोगों की इसके ऊपर गिर रही है, ये लाइटें जो है ऐसे आई इस आदमी से और यहाँ से जो है मेरे भाई फोकस होकर इसके ऊपर आ गई ठीक है। यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल है, वो एक्टिव है, वो इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कलर है कि नॉन कलर चीजें हैं है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, वो उस हिसाब से काम करेंगे, फिर इसकी इमेज क्रिएट कर देंगे, और फिर ये इमेज जो है यहाँ पर जो आप लोगों की आँख की नस है जिसको हम क्या कह रहे हैं ऑप्टिक नर्व है, इसके थ्रू जो है आपके दिमाग में क्या पहुंचाएगा, मैसेज पहुंचाएगा, आँख की नर्व के थ्रू क्या है दिमाग में मैसेज पहुंचाएगा, फिर तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा, फिर तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करेगा, फिर वो पहचानेगा ये क्या है। अब मान के चलो रेंडमली यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, मैं हर एक चीज का नाम बता रहा हूँ, भाई साहब ये जो है सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सामने चेयर रखी हुई है, ये सामने टेबल रखा हुआ है, ये मेरे भाई स्क्रीन लगी हुई है ना, जैसे तुम्हारे घर में नंबर ऑफ आदमी एक साथ खड़े हैं ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर जो है बहुत सारे मेरे, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सारे घर वाले तुम्हारे एक साथ बैठे हैं, तुम उनके अंदर से आइडेंटिफाई करते हो, भाई या मेरी बुआ है या मेरी माँ है या मेरी दादी है या मेरी ताई है या मेरी चाची है, वाह है, उनकी इमेज जैसे ही तुम्हारी आंखों के अंदर बनी वो तुरंत जो है वो किसको पहुंचाई जाती है, ब्रेन को, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, फिर वहां पर जो मिडल ब्रेन के अंदर इमेज बनती है, मैंने पढ़ाया भी है ना, मिडल इमेज के अंदर ब्रेन बनती है, तो जो हम सुनते हैं या फिर जो हम देखते हैं इमेज बनते हैं वो मिडल ब्रेन का काम होता है, तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करता है और ये बताता है कि भाई फलाना आदमी है, इसका ये नाम है, इसका ये काम है और इसका ये सिस्टम है, ये सारी की सारी चीजें हमारी आंख के अंदर चलती है। ऐसे करके हमारी आंखों के अंदर क्या बनती है बच्चे, इमेज बनती है। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, मुझे बता सकता है, जल्दी से बोलो मेरे भाई, अब कमेंट बॉक्स में आ जाओ। हाँ जी ओके भाई, थोड़ी देर बाद मैं बता पाऊंगा आपको, दोनों दिनों का पेपर हुआ है या एक हुआ है, क्या पेपर कैंसिल हो गया है, एचएसएससी ने नोटिस क्यों नहीं डाला अभी तक, एचएसएससी तुझे लगता है नोटिस दे देगी जल्दी से, उनको खुद नहीं पता होगा बेचारों को, वो खुद सदमे में होंगे ये हमारे साथ क्या हो गया भाई, बस में वो डाल देंगे नोटिस, पेपर कैंसिल हो चुका है, जब स्टे दे दिया है कोर्ट ने तो कोर्ट से ऊपर थोड़ी कोई चीज़ है भाई, बस में न्यायपालिका भी कोई चीज़ होती है, और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था बच्चे, अगर ये भर्ती हो भी जाती, पेपर हो भी जाता तब भी ये लटकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केस करते, फिर से भर्ती लटकती, फिर से तुम लोग परेशान रहते। अब हम जब ये चिल्लाते हैं, हम कहते हैं कि भाई साहब पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तो तुम में से बहुत सारे बच्चे हमें गालियाँ भी देते हैं और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत रज रज के गालियाँ देते हैं, पता नहीं उनको इससे क्या मिल जाता है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए था, तुम्हारे लिए हम मेहनत करते, तुम्हारे लिए हम आवाज़ उठाते हैं, नहीं उठाए तो बच्चे उस तरफ से गाली देते कि क्यों आवाज़ उठा रहे हो। अब जैसे बात हो रही थी कि पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, सीटी क्वालिफाई, और नेचर मेरा भाई क्वालिफाइंग ही होना चाहिए, जब उन्होंने कह दिया कि भाई क्वालिफाइंग है, भाई साहब 47.5 पर जनरल वाला है, 37.5 पर जो है एससी कैटेगरी के क्वालिफाइड है, तो वहां पर वो होना चाहिए, मतलब उसके बाद उन्होंने एक रेंज रख दी ना, उसके बाद तो बच्चे लेने चाहिए, सभी देंगे मेंस में, लेकिन वही बात दिक्कत ही है ना, बच्चों को समझ में नहीं आती, उनकी तरफ हो जाए तो वो गालियाँ देते हैं, उनकी तरफ हो जाए तो वो गालियाँ देते हैं, गालियाँ तो दोनों तरफ से पढ़नी है। हाँ बिल्कुल, सीटी का हो गया मेरे भाई कैंसिल ठीक है। अब ये ह्यूमन आई जो है, हमने इसका सारा बेसिक्स पढ़ लिया है, ह्यूमन आई कैसे काम करती है, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम होते हैं, और अब जो है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई से रिलेटेड डिसीज ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे बच्चे कल, आज नहीं पढ़ते, जितनी भी बीमारियां हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड वो हम कल पढ़ेंगे, अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, आज की क्लास में इतना ही था मेरी तरफ से, अब हम तुमसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही है। जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करता है वो रेगुलर मेरी 5 बजे वाली क्लास देखे, आज 15वीं क्लास थी, टोटल 15 क्लास हो चुकी है और टॉपिक वाइज क्लास हुई है, सभी के क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ टॉपिक ये ऐसे हैं जिनकी हमें थ्योरी करवानी पड़ेगी, जैसे सेल डिवीजन था और ह्यूमन आई था, अब कल से जो भी टॉपिक होगा मेरे भाई उसके सिर्फ क्वेश्चन आएंगे भाई, बस में पहले ये ह्यूमन आई से रिलेटेड मैं डिसीज करवाऊंगा आप लोगों को ठीक है, बाकी सभी तो मेरे भाई फिर क्वेश्चन टाइप आएंगे ओके। तो मेरे ख्याल में तुम्हें ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी ठीक है, पहले तो बहुत बच्चे लाइव होते थे, अब तो मेरे भाई तुम्हारा हौसला ही टूट गया, इसलिए तुम लाइव कम हो।
अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मुंह सही लागू होता है सरच। अरे ये तो बहुत बहुत लो लेवल की कहावत है उनके लिए, तो कोई और बढ़िया सोच के आओ। उससे तो इससे भी कहीं गए गुजरे हैं वो। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा। नाइस सेशन सर जी। सेशन को लाइक किया करो और ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो कि तुम्हारा सेशन कैसा है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे कल बहुत बच्चों ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे। यही कमेंट है जो हमें क्लास लेने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो मज़ेदार सेशन रहेगा हमारा रोजाना। आप लोगों को सिर्फ 5 बजे वेट करना है मेरा। 5 बजे मैं आ जाया करूँगा आप लोगों से मिलने के लिए। और कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता। जिनको साइंस स्पेशल बैच चाहिए बिल्कुल थ्योरी प्लस में, आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 599 में हमारा साइंस स्पेशल बैच भी है। हौसला नहीं टूटा है, आप ही बीच में ही रेगुलर हो गए थे। नहीं, मैं रेगुलर नहीं हुआ था, मेरी क्लास होती थी। ठीक है, मेरी क्लास होती थी मेरे भाई। वेरी हेल्पफुल क्लास सर जी, थैंक यू थैंक यू। ओके भाई, वेलकम सभी का। ओके सभी पढ़ के आना, इसको इसके ऊपर क्वेश्चन लगा के आना। बाय सभी को, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय भाई।